ये गुरुजनों का आशीर्वाद है और गाइडलाइन है कि एक क्रूज नहीं दो दो क्रूज हो रखा है। और बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए, जैसे आपके अपलाइन बोलते हैं करते रहिए, जैसा हमें गाइडलाइन मिला आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वही गाइडलाइन आपको आपके अपलाइन के माध्यम से मिलता रहता है। एक बड़े विजन के साथ, एक बड़ी सोच के साथ हम सभी लोगों को इस बिजनेस को करना है। और दोस्तों हमारी मुलाकात आपके सेंटर्स पे तो अक्सर कि हमें गुरुजनों का आशीर्वाद इतने व्यस्ततम शेड्यूल में, इतने बिजी शेड्यूल में भी गोवा में मिल पा रहा है। तो क्या आप सर को सुनने के लिए तैयार हैं? बस आपकी तरफ से एक ही कमिटमेंट करना चाहूंगा गुरुजी को, कर दूं कि सर हमेशा हमारे फाइटर्स टारगेट में आगे रहे हैं और इस बार भी जो टारगेट चल रहा है मनाली का, पहाड़ पे जगह नहीं बचेगी। यहाँ पे समुद्र फूल हो रखा है, वहाँ पहाड़ पे इतनी गर्दी हो जाएगी कि ठंडी में भी गर्मी का एहसास हो जाएगा। कर दिया जाए। यहाँ लगभग 500 से ज्यादा फाइटर्स मौजूद है, आप सभी आ रहे हो मनाली? कन्फर्म? कोई नशे में तो नहीं बोल रहा? सही है, तब तो ठीक ठाक है भाई, वरना गोवा में हमारे बिहार के फाइटर आते ही उधर बंदी चल रही है, इधर नल में से भी आ रहा है या नहीं? तो कोई नहीं, इसीलिए हम आपको गोवा ले आए हैं कि वो 3 महीने का कोटा पूरा कर लो, फिर मनाली चलेंगे, है ना? और बहुत ही डिसिप्लिन फाइटर हो आप, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतने डिसिप्लिन फाइटर्स, इतनी अच्छी टीम, बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है जिसमें प्रभु का आशीर्वाद है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा दिल से कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से हमारा साथ देते हैं और आपकी वजह से आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होता जा रहा है। बस एक सोच लेके जाइए कि आज गुरु जी का क्रूज है लेकिन कल अपना क्रूज लेके आएंगे। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अब ऐसी शख्सियत को मैं इस मंच पे बुलाने जा रहा हूँ, शायद अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये माइक मेरे पास है, इतनी अच्छी टीम है, तो सर का योगदान है, सर का ही गाइडलाइन है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो अब बारी उन्हें आमंत्रित करने की है जिनके फैन फॉलोअरशिप AWPL में नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के हर एक इंडस्ट्री में उनके फैन फॉलोअर हैं। लोग उन्हें यूट्यूब और सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, सुनते हैं, और ऐसी शख्सियत को आज आपको लाइव सुनने का मौका मिलेगा, आशीर्वाद मिलने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे फाइटर कितनी तेजी से तालियां बजा सकते हैं, हल्ला मचा सकते हैं। और बिना देर के हुए मंच पे आप अंतर कर रहा हूं हमारे महाराज। अरे सुनो, रियल में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्रूज नहीं भरती, और आज डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई एक छोटी सी टीम की एक छोटी सी टुकड़ी दो दो क्रूज भर रही है। यानी हमारी टीम की एक छोटी सी फौज, हम ऐसा बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से बड़ी हो गई है गुरुदेव आज, है ना? यहाँ से जाने के बाद ये जो वीडियो आप बनाए हो बना के रखना, और जाके वो जो चुट पूंजी आते हैं ना आपके पास, टॉप लीडर बना दूंगा, है ना? उनको जाके दिखाना कि तेरे अंदर इतना भी दम नहीं है कि मेरे एक सिंगल लीडर्स का मुकाबला कर सके, इसलिए भी उसको बाप आया ना। और दोस्तों सबसे खुशी की बात है कि बहुत शॉर्ट टर्म का टारगेट आपको दिया गया था गोवा का, और बहुत शॉर्ट टर्म में छोटा टारगेट क्वालिफाई करके आप सारे लोग पहुंचे हैं। टारगेट कैसा भी हो अचीवर्स है, तो एक अचीवर्स वाली तालियां होनी चाहिए। दूसरा, हर बार टारगेट कंपनी देती थी, हर बार खर्च कंपनी करती थी, इस बार पहली बार ऐसा है कि टारगेट अपलाइनों ने दिया और खर्चे भी अपलाइन कर रहे हैं, अपलाइन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? क्रूज हिल तो नहीं रहा? ठीक ठाक पोजीशन पे है? हाँ, कुछ लोगों को हिल रहा है, हाँ कुछ लोग कंफ्यूजन में, क्रूज हिल रहा है कि हम हिल रहे हैं। तो दोस्तों विजेताओं को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कि सक्सेस
कोई आखिरी पायदान नहीं है जहां पे पहुंचने के बाद हमें रुक जाना है। सफलता लगातार की जाने वाली मेहनत और लगातार पाए जाने वाले अचीवमेंट का नाम है। यानी अगर हमें जीवन में सक्सेसफुल होना है तो हमें लगातार मेहनत करना पड़ेगा, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी और लगातार छोटी छोटी अचीवमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो क्रूज तो अभी छोटा सा झांकी है, असली जो ये टारगेट है मनाली की बाकी है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मनाली अचीव कर लिया? दो चार लोग।